अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज हम ट्राई करने वाले हैं दाल मखनी, जो कि नान के साथ और जीरा राइस के साथ बहुत शानदार सी लगती है। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप उड़द की दाल, और उसमें मैंने 1/4 कप राजमा दाल ली है, और इन दोनों को हम भिगो देंगे। ये हमने दाल ओवरनाइट सोक कर ली थी, ये हमारी बहुत अच्छे से सोक हो चुकी है। अब हम इसका पानी ड्रेन कर देंगे। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर चढ़ाया हुआ है और ड्रेन करी हुई दाल हम इसमें डाल देंगे। अब इसे ऐड करेंगे 1 ग्लास पानी। अब हम इसमें अपने इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे यहाँ पर 1/2 टीस्पून नमक, फिर हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ हम इसलिए करेंगे क्योंकि इससे रंग बहुत ज़्यादा लाल लाल आता है, जो कि दाल मखनी का बेसिक कलर है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि हम 1 चाय का चम्मच भर करके ले लेंगे। फिर इसमें जाएंगे 2 तेज़ पत्ते, 1 इसमें जाएगा जावित्री का पीस, और 2 से 3 हम इसमें डाल देंगे लौंगे। इतनी ज़्यादा देर तक इसे पकाने की नीड नहीं है, तो हम इसमें 2 से 3 सीटियाँ लगाएंगे। बस हम इसमें सीटी लगा देंगे। 3 से 4 सीटियाँ आ चुकी हैं। अब हम इसके लीड को ओपन कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप पानी, और फिर हम अपनी दाल को और अच्छी तरह से घोट लेंगे। दाल मखनी में असल टेस्ट तभी आता है जब वो बहुत अच्छे से घुटी हुई होती है, थिक थिक सी होती है, और सारे फ्लेवर्स एक दूसरे में मिक्स हो चुके होते हैं। बस हमने इसको इसी तरह से 4 से 5 मिनट तक के गैस की फ्लेम ओपन करके इसे हमें घोट लेना है, और दूसरे साइड हमें दाल मखनी का तड़का तैयार करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है कढ़ाई। और हम इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे देसी घी। हम इसे चाहते तो हम रिफाइन में भी बना सकते हैं, लेकिन दाल मखनी का टेस्ट ही है घी और मक्खन में बनने से, इसलिए हम इसे घी में ही बनाएंगे। और सबसे पहले हम डालेंगे 1 टीस्पून भर करके लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसे हम अच्छे से भून लेंगे, पका लेंगे। 2 से 3 मिनट आप इसे पका लें। 2 से 3 मिनट के बाद हमने यहाँ पे 3 टमाटर लिए थे, जिसकी हमने बहुत स्मूथ सी प्योरी बना ली है, वो भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे और दोनों को साथ में पकाएंगे, जब तक कि इसके अंदर से तेल ऊज आउट ना होने लगे, जब तक कि हमें इसे पकाना है। टमाटर का जो टेस्ट हो उसमें हल्की सी खटास का होना बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत मीठे टमाटर ले लेंगे तो दाल मखनी का फ्लेवर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इस वजह से हल्के से टमाटर खट्टे होने चाहिए, और दिखने में उसका कलर भी रेड होना चाहिए, जिसकी वजह से दाल मखनी का भी कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आप इसको पका लीजिए 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक कि इसमें से तेल ऊज आउट ना होने लगे। ये देखिए हमारे टमाटर और लहसुन अदरक जो हम पका रहे थे उसमें से तेल ऊज आउट होने लगा है, बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है। अब इस एंड के ऊपर हमें क्या करना है, जो हमने दाल मखनी उबाल के रखी थी उसे हमें पूरा इसमें ऐड कर देना है। हमने पूरा इसके अंदर से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए ढक करके, जब तक ये थोड़ी ये गाढ़ी ना हो जाए। उससे पहले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गरम मसाला, जो कि हमने 1/2 टीस्पून निकाल के रखा था, और उसके साथ में हम इसमें ऐड करेंगे मक्खन। मक्खन हमने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच ले लिया है, और इसे अब हम ढक देंगे। अब हम इसकी लिड को खोल के चेक करते हैं। ये देखिए हमारी दाल की कंसिस्टेंसी काफ़ी हद तक के थिक हो चुकी है। अब हम इसमें फाइनल टच देना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या डालना है, कस्तूरी मेथी, जिसे हम 1 चुटकी के बराबर लेंगे, और हम इसको अच्छे से अपने हाथ के ही अंदर इसे क्रश कर लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। ध्यान रखिएगा इसे बिल्कुल भी ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि इससे फ्लेवर कड़वा भी हो सकता है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिया अमूल की फ्रेश क्रीम, जो कि इसका बेसिक है, वो हम इसमें अपने हिसाब से डाल दें, जितनी क्रीमी दाल हम चाहते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी और ऐड करेंगे फॉर द कलर। कितनी ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी इसकी हो गई। अब हम इसे 2 से 3 मिनट और पका लेते हैं। ये देखिए 2 से 4 मिनट हमने इसको और पका लिया। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। दूसरी तरफ हम इसका छोटा सा तड़का तैयार करते हैं।
यहाँ पे तड़का तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे छोटा सा नॉनस्टिक पैन चढ़ाया है, जिसमें मुझे ऐड करना है देसी घी। देसी घी 3 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे और ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। इसे गर्म होने के बाद में उसके अंदर हम डालेंगे 2 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों के साथ यहाँ पर हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, जिसमें एक कलर होता है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चुटकी के बराबर कस्तूरी मेथी। बस ये हमारा दाल मखनी का तड़का है, जिससे थोड़ा उसका कलर और अच्छा सा आ जाएगा। हमारा इसका तड़का रेडी हो गया और जो हमने तड़का बना करके रखा है हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये हमारी दाल मखनी बिल्कुल रेडी हो गई है। यहाँ पे हमारी दाल मखनी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी भी आ गई है और हमने तड़का बना के जो इसके ऊपर डाला हुआ था उससे भी ये बहुत ज़बरदस्त ही लग रही है। आप इसको ज़ीरा राइस के साथ में या नान के साथ में, जिससे भी आप चाहें, आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें और मुझे कॉमेंट्स में बताएँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।